Hello friends, welcome back in our YouTube channel Online Education. Today I will discuss that what is the importance of school, respected teachers and loving friends. So you will watch the full video. Today I am missing my school days, then I thought that let's move on my YouTube channel Online Education and sharing the importance of teachers, school, classes, ground and loving friends. So I wanted to say you all of that our school is the place where we learn edification. School gives an opportunity to intermingle to each other, and it is the beauty of school, because alone I can say, but together we can talk. Alone I can smile, but together we can laugh. Alone I can enjoy it, but together we can celebrate. So this is the beauty of school education, and we are nothing without each other. So we all should very grateful to the school authority who made us connected with each other. And we know life has four pillar. First is family, second is kindness, third is honesty, and last fourth is humbleness. But always education is the foundation. You know that education training is like a water which has no shape, no color and no taste and no place, but still very important for life. And without education, life is like a moonless sky. So we need to do regular practice and also respect to the masters. So I wanted to tell these things to all the students that success is not permanent. Failure is not final. So always don't stop efforts, and until our victory make a history. So I really felt very glad, and I request to all the students that we should never give up, keep walking, keep trying. There will be a help and happiness ahead. Just keep our chin up and it will be all right in the end. Trust God and always believe the God things to come. आज मुझे अपने स्कूल के दिन दोस्तों याद आ गए, और मैं कहना चाहता हूँ, पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है नाम मेरा, अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। और जो लोग दौलत पे नाज करते हैं, शोहरत पे नाज करते हैं, उन लोगों के लिए मैं दो पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। न दौलत पे नाज करते हैं, न शोहरत पे नाज करते हैं, न दौलत पे नाज करते हैं, न शोहरत पे नाज करते हैं। भगवान ने सरजमी हिंदुस्तान में पैदा किया है, इसीलिए हम हिंदुस्तानी होने का नाज करते हैं। और जो लोग कहते हैं हमने बहुत प्रयास किया, हम हार गए, हमें जीत नहीं मिली, मैं हिंदी में एक दोहा कहना चाहता हूँ। सुनते हैं। अविचल है जो पथ पर, उसकी होती जीत। अविचल है जो पथ पर, उसकी होती जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने पथ पर डटे हुए हैं तो अवश्य ही आपकी जीत होगी। अगर आपका मन हार गया है, आप दिल आपका कह रहा है आप हार गए हैं, तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है आप जीत जाएंगे, आप जीतने वाले हैं, जीत जाएंगे, तो आप जरूर जीतेंगे, दैट्स श्योर। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मान लो तो जीत और ना मानो तो हार। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग कई बहाने बना के बताते हैं उनको सफलता नहीं मिली है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही असत्य है। क्योंकि जो भी एक दोहा है दोस्तों, एक कहावत है, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एकदम बात एकदम पूरी तरीके से सत्य है। यार दोस्तों आज मैं बैठा था, देन आई रियलाइज माई स्कूल डेज, देन आई थॉट आप लोगों से शेयर करते हैं अपने कॉलेज के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बता के। तो आप लोग भी अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करिए, अपने स्कूल के वो दिन अगर आपको याद आए तो याद करिए। और जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्कूल्स में भी अभी ग्रेजुएशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर
अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ इंजॉय करें, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें और उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी करते जाएं, क्योंकि आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क के साथ आपको सक्सेस भी मिलना ज़रूरी है। तो अगर दोस्तों मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमारे इस चैनल पे ब्लॉग बॉक्स में आप जाके वहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।